हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाध्याय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम विकास यादव और आज हम करने जाएंगे अपने चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स के एक्सरसाइज 2.2 के आगे के क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के एंड में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए। तो इन लास्ट क्लास हमने एक्सरसाइज टू के क्वेश्चंस स्टार्ट करे थे और हमने थर्ड क्वेश्चंस तक क्वेश्चन कंप्लीट करे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्टिंग करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन ये है। देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज। कह रहा है कि इन जो नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट जो दिया है, उनको प्रोडक्ट निकालना है, उनका मल्टीप्लिकेशन करके उनका आंसर निकालना है, लेकिन एक प्रॉपर्टी लगा के, एक यहाँ पे सुइटेबल प्रॉपर्टी यूज करनी है हमको। अब वो प्रॉपर्टी क्या है, आपने प्रॉपर्टी वाली वीडियो देखी होगी, देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट। बट अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता तो आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन के बीच में फंस के अपना आंसर गलत निकाल आओ। देखिए, विदाउट एनी टाइम वेस्ट, 738 मल्टीप्लाइड बाय 103। अब अगर मैं इस नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं क्यों ना इसके अंदर प्रॉपर्टी लगा के इस क्वेश्चन को आसान कर लूँ, इस कैलकुलेशन को आसान कर लूँ। कैसे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 100 जो 3 है, 103 जो है, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ, एक्सपेंड मतलब खोल दूँ, किसी ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान बने। अब यहाँ पे आप देखिए, 103 को मैंने दो हिस्सों में तोड़ा, किसमें, 100 में और 3 में, यानी अब 738 यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एंड अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 738 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड इट विल आल्सो मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। सो 738 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस में 738 को मैं 3 से भी मल्टीप्लाई करूंगा। आप देखिए, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, बट यहाँ पे 3 से भी मल्टीप्लाई करना मेरे लिए बहुत आसान रहेगा। कहाँ मैं उसको 103 से कर रहा था और कहाँ मैं आप इसको 3 से करके 738 को 100 से मल्टीप्लाई करके उसमें सिंपली मेरे को ऐड कर देना है। देख रहे हैं, तो 738 में ये तो आपको पता ही है कि जीरो एंडिंग नंबर से मल्टीप्लीकेशन करना कितना आसान होता है, और 738 को 3 से मल्टीप्लाई करने में ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। 8 3 24 3 3 9 plus 2 11 7 3 21 plus 1 22 so it becomes 2 2 1 4। अब मैं बस सिंपली प्लस कर दूंगा, इट विल कम 4 1 10। ओके, 8 एंड 2 जब ऐड होंगे इट विल बिकम 10, 1 कैरी, 3 4 5 1 प्लस 6 7, तो मेरा आंसर आया 76014। अब देखिए, इससे मेरी कैलकुलेशन, जब मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करी, मेरी कैलकुलेशन काफ़ी हद तक आसान हो गई। बट अगर मैं वहीं पे 738 को 103 से मल्टीप्लाई करता रहता तो सुबह से शाम हो जाती। ओके, आप लोग समझ रहे होंगे, इसीलिए हमको स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क कैसे होगा, अगर हमको प्रॉपर्टीज आती रहेंगी, है ना। देखिए, लेट्स कम टू दी बी पार्ट, 854 मल्टीप्लाइड बाय 102। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैं इसको एक्सपेंड कर लूंगा इस नंबर को, सो 854 विल सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 102। ओके, नाउ देखिए,
सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, 854 100 से मल्टीप्लाई होगा, 854 2 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए प्लस में 854 मल्टीप्लाइड बाय 2, यहां पे ये नंबर कुछ ऐसा दिखेगा और यहां पे ये नंबर, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं सो इट विल कम 4 2 8, 5 2 10, 8 2 16, 1 plus 17, 1708। देखिए अब मैं इसमें ऐड अप कर दूंगा 8 0, 7 and 4 एंड 5 का 1 कैरी, 1 का 1 कैरी एंड 5 का 1 कैरी, 5 6 and 7 एंड 8 will 8। सो माय आंसर इज 87108। ओके वेरी सिंपल, किसी को कोई डाउट अगर हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। आप देखिए सी पार्ट में भी यही सेम सिनेरियो है, 258 मल्टीप्लाइड बाय 1008। यहाँ पे 1008 को मैं एक्सपेंड कर दूंगा, देख रहे हैं, सो 258 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1008। यहाँ पे 258 को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करा, सो माय आंसर कम्स इज, अब मेरे को सिंपली 258 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 8 8 64 58 40 40 plus 6 46 8 2 16 16 4 20 20 64। अब सिंपली एड अप कर दूंगा 4 6 0 8 and 2 10, 10 का 1 कैरी, 5 पे 6 and 2, 2 6 0 2 6 00 64। देखा आपने, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। चलिए मैं पूरी स्क्रीन इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर नोट डाउन करते रहिए मेरे साथ। लास्ट पार्ट डी पार्ट, इन डी पार्ट 1005 इज मल्टीप्लाइड बाय 168 एंड सिंपली आई विल एक्सपेंड दिस नंबर 1000 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 168, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी 168 इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा और 168 इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए प्लस, देखिए 168 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 8 40, 5 6 30 प्लस 4 34, 5 1 5 8, so it comes 840. Simply my answer will come 048861, है ना। देखा आपने, तो without any time waste let's go to the next part, okay। चलिए fifth question, now fifth question says that a taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. The next day, he filled the tank with 50 liters of petrol. If the petrol cost 44 per liter, how much did he spend in all on petrol? यह क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर है जिसने अपनी कार की पेट्रोल की टंकी में 40 लीटर पेट्रोल भरवाया, कब, मंडे को, और अगले ही दिन यानी नेक्स्ट डे ट्यूजडे को उसने अपनी कार की टंकी में 50 लीटर पेट्रोल डलवाया यानी 50 लीटर पेट्रोल डलवाया। अब अगर पेट्रोल की कीमत 44 रुपए लीटर से है, यानी अगर पेट्रोल 1 लीटर 44 रुपए का है, तो उसने अपने टोटल पेट्रोल पे 2 दिनों में कितना खर्चा किया, ठीक है। यहाँ पे
हमको एक दिन की कीमत पता है, तो एक लीटर की कीमत पता है हमको, एक लीटर का कीमत पता है, तो 40 लीटर्स का निकालना है तो भी हमको पता लग जाएगा, ठीक है। और अगर हमको 50 लीटर्स का निकालना है तो भी पता लग जाएगा। अब देखिए, मंडे के दिन भी पेट्रोल की कीमत यही रहेगी और उसके अगले दिन यानी ट्यूसडे को भी यही कीमत रहेगी। तो यहाँ पे सिंपल देखिए, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं कि देखिए, प्राइस ऑफ 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे, यानी मंडे के दिन 40 लीटर्स पेट्रोल जो भराया हमने उसका प्राइस क्या था। अब देखिए, एक लीटर का प्राइस है 44, 40 लीटर का कितना होगा, सिंपली वी विल मल्टीप्लाई, तो 40 को मैं 44 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अरे अभी इसको ऐसे ही लिख रहने दे, ठीक है ना। अब प्राइस ऑफ 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल फिल्ड नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे क्या होगा, ट्यूजडे। ये तो कॉमन सेंस की बात है, उसने नेक्स्ट डे बोला है तो मंडे का नेक्स्ट क्या आता है, ट्यूजडे आता है। अब देखिए, उस दिन उसने 50 लीटर्स भराया, कोई बात नहीं, 50 लीटर्स पेट्रोल भराया और पर लीटर कितनी कीमत थी, 44, एक लीटर की 44 थी तो 50 की कितनी होगी, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, हमसे वो टोटल एक्सपेंडिचर पूछ रहे हैं, ये दोनों दिन का टोटल कितना खर्चा है, टोटल मतलब ऐड कर देंगे। सो टोटल मनी स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल इज इक्वल्स टू, एड अप कर देंगे, 40 × 44 एड कर रहे हैं, 50 × 44, देखा आपने। अब देखिए, कॉमन सेंस लगाइए यहां पे, कॉमन सेंस इस बात की कि यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी लगाने का मौका दिख रहा होगा, प्रॉपर्टी लगाने का एक थोड़ा सा हिंट दिख रहा होगा। इन दोनों नंबर्स में एक नंबर कॉमन है, दोनों इक्वेशन में एक नंबर कॉमन है, दैट इज 44 कॉमन है, 44 को मैं बाहर ले सकता हूँ एग्जैक्टली, और अंदर क्या रह जाएंगे, 40 और 50। और यहाँ पे हमारा ये प्रॉपर्टी किस में कन्वर्ट हो गई, इट इज कन्वर्टेड इनटू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ सी, मैं अब यहाँ पे बॉड मास, देखिए कोई भी आप अगर इक्वेशन, कोई भी आप मैथमेटिकल सम या कुछ भी सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे बॉड मास प्रॉपर्टी हमेशा लगती है, एंड अकॉर्डिंग टू बॉड मास प्रॉपर्टी इफ यू नो इट देन ब्रैकेट्स आर सॉल्व फर्स्ट। मैं पहले यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, 40 प्लस 50 कम्स 90, हम यहाँ पे 44 को और 90 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली आई विल मल्टीप्लाई 44 बाय 9 एंड सिंपली ऐड 0 बिहाइंड इट, 44 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 4 जा 36 प्लस 3 39 396, ओके 396, so 396 I will add 0, so that taxi driver spent 3960 rupees on petrol in both days, on Monday and on Tuesday, समझ आया आप दे। चलिए next question पे चलते हैं, sixth question says a vendor supplies 32 liters of milk to a hotel in the morning and 68 liters of milk in the evening. If the milk costs rupees 45 per liter,
हाउ मच मनी इज ड्यू टू द मेंडर पर डे, यानी ये क्वेश्चन भी आपके लास्ट क्वेश्चन जैसा है। उसके अंदर पिछले में टैक्सी ड्राइवर की बात हो रही थी, यहाँ पे दूध बेचने वाले की बात हो रही है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक दूध बेचने वाला एक वेंडर है जो कि एक होटल में सुबह मॉर्निंग के टाइम पे 32 लीटर मिल्क प्रोवाइड करता है, यानी वो सुबह के टाइम उस होटल को 32 लीटर मिल्क देता है, 32 लीटर मिल्क देता है, और शाम के टाइम पे 68 लीटर मिल्क देता है। ठीक है, सुबह 32 देता है और शाम को 68 लीटर मिल्क देता है। अब एक लीटर मिल्क की कीमत है 45, यानी एक लीटर जो दूध है उसकी कीमत है 45 रुपये, लेकिन वो सुबह कितना देता है, 32 देता है, और शाम को 68 देता है। अब बोला जा रहा है कि वेंडर का यानी दूध वाले का कितना पैसा बकाया है होटल वाले पे, यानी वेंडर को कितना पैसा मिलेगा। साफ सीधी बात इतनी है कि वेंडर का एक दिन का कितना रुपया बनता है, कितने पैसे वो एक दिन में टोटल सुबह और शाम दूध बेच के कमाता है। जब एक लीटर दूध की कीमत इतनी है तो सुबह वो 32 लीटर बेचता है और शाम को 68 लीटर बेचता है। देखिए अब सिंपली यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ 32 लीटर्स ऑफ मिल्क सप्लाइड इन मॉर्निंग। 32 लीटर्स ऑफ मिल्क सप्लाइड इन मॉर्निंग, यानी 32 लीटर दूध की जो कीमत है वो कितनी होगी भाई, एक लीटर की 45 है तो 32 की कितनी होगी, तो मैं 45 को सिंपली 32 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आप सेकंड केस, शाम को कॉस्ट ऑफ 68 लीटर्स ऑफ मिल्क सप्लाइड इन इवनिंग, यानी शाम को कितना उसकी दूध की कॉस्ट हुई। तो सिंपली मैं एक लीटर की 45 है तो मैं 68 लीटर्स की यहां पे निकाल सकता हूं, तो मेरे को सुबह की कीमत पता लग गई और शाम की कीमत पता लग गई। अब मुझे पूरे दिन की निकालनी है, सुबह शाम मिला के दोनों की निकालनी है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क सप्लाइड बाय वेंडर इन अ डे इज इक्वल्स टू 45 इंटू 32 प्लस 45 इंटू 68। देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। दोनों केस में एक नंबर कॉमन है, मैं उस नंबर को बाहर ले आऊंगा तो वो नंबर है कौन, 45 है। अंदर कौन रह जाएंगे, 32 और 68। देखिए सिंपली अकॉर्डिंग टू बॉडमस आई विल सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। यहां पे ब्रैकेट सॉल्व करने पे मेरा आंसर आएगा 100 आया ना। अब देखिए सिंपली 45 अगर 100 से मल्टीप्लाई होगा इट विल कम 4500। देखा आपने, तो जो मिल्क वेंडर था यानी दूध बेचने वाला था वो एक दिन में पर डे की इनकम उसकी कितनी थी, 4500 रुपीज। ठीक है ना। चलिए सेवंथ क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैच द फॉलोइंग, यानी मैच करना है आपको इन नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, कुछ हमको इक्वेशंस दी हैं, कुछ हमको दिए हैं यहाँ पे, उनको हमको इनके बेसिस पे ऐड करना है कि उनके अंदर क्या हो रहा है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए,
फर्स्ट लेते हैं, 425 मल्टीप्लाइड बाय 136। 425 को 136 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको हमने 136 को इलेबोरेट कर दिया, यानी उसको एक्सपेंड कर दिया, तो 6 प्लस 30 प्लस 100, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस नंबर को, और उसको एक्सपेंड करके क्या बना दिया, 6 प्लस 30 प्लस 100, तो 100 36 30 और 6 को ऐड अप करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 6P1 136 आएगा। सो बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे उसने 425 यहाँ पे पहले 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, 30 से भी होगा और 100 से भी होगा, बाद में ऐड हो जाएगा, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी तो इतना तो पता लग गया कि कैसे कौन सी लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस में लग रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक ही ऑप्शन है इस यहाँ पे, एंड दैट इज सी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है, ठीक है ना, समझ आए मेरी बात। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन है हमारा 2 × 49 × 50, और यहाँ पे सेकेंड केस में क्या करा है, यहाँ पे 2 × 50 × 49। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसने नंबर ने इस केस में इस नंबरों की पोजीशन शफल कर दी, यानी 50 को पहले लिख दिया, 49 को बाद में लिख दिया। तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऐसा होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वी कैन शफल द पोजीशन ऑफ द नंबर अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, यानी हम अपने मुताबिक, अपने कैलकुलेशन के मुताबिक नंबर्स को शफल कर सकते हैं, बट दे विल बी नो इफेक्ट ऑन द आंसर, बट लेकिन उसका आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमको पता लग गया कि यहाँ पे कौन सा आपका प्रॉपर्टी लग रहा है, कॉम्यूटेटिव, और इस इक्वेशन में हो क्या रहा है, मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे सीधा हमारा ऑप्शन जाएगा ए पे, दैट इज कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। बचा कौन, थर्ड किसके साथ होगा, बी के साथ, बट हम उसका भी रीजन देखेंगे, विदाउट एनी रीजन कोई काम नहीं होता। देखें यहाँ पे 80 + 2005 + 20, और यहाँ पे 80 + 20 + 2005, देखिए यहाँ पे भी नंबर्स की पोजीशन शफल कर दी है, 20 को पहले लिख दिया और 2005 को बाद में, वो इसलिए क्योंकि 80 और 20 को प्लस करना इजी है ना, 80 और 20 प्लस करके 100 आ जाएगा, और 100 को ऐड करना किसी भी नंबर में बहुत आसान होता है ना। तो यहाँ पे भी हमने कम्यूटेटिविटी लगाई है, एंड अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वी कैन शफल द नंबर्स इन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन बाय आर कन्वीनियंस टू मेक आर कैलकुलेशन इजी, ओके। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन, ओके। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है, और हम नेक्स्ट क्लास में, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट। बट बिफोर दैट, वीडियो ख़त्म होने से पहले अगेन मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप लोग अभी तक अगर जुड़े हुए हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इतनी आसानी से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, मजाक था, आप लोग को जैसा समझ आ रहा है, जिस तरीके से समझ आ रहा है, ठीक है, आप लोग को जहाँ अच्छा लगे वहाँ मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी अपना सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे ज्वाइन करिए, फॉलो कीजिए, ठीक है। आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय।